नमस्ते। अभी हम देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं गूगल क्रोम और अदर ब्राउज़र, अगर आपके पास है तो उसे यूज़ कैसे करते हैं और उसके बारे में और जानकारी पाएंगे। सबसे पहले तो हम डिफ़ॉल्ट यानी जो विंडोज़ के साथ पहले ही मिलती है उस ब्राउज़र में जाएंगे। उसके पहले हम जानेंगे ब्राउज़र क्या है। तो ब्राउज़र एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, और अब इंटरनेट तो खैर वही चीज़ है जिससे आप सर्च कर सकते हैं और दुनिया के किसी कोने में जो भी चीज़ पड़ी हुई है उसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। माउस लीजिए। अक्सर विंडोज 7 OS में आपको अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर यहीं पे मिल जाएगा, टास्क बार में पहला आइकन, या फिर अगर आप स्टार्ट से जाना चाहते हैं तो स्टार्ट में जाके आप इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप मार सकते हैं तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। तो खैर हम यहीं से ही चलेंगे अभी। तो हम खोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आप माउस लीजिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाइए और उसे क्लिक कीजिए। तो ये आपका खुल गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यही है आपका होम पेज। होम पेज क्या है? यही जो आप जब भी आप होम क्या होता है, घर एक तरह से, आप जहाँ पे भी जाओ वापस होम जा ही सकते हो। तो वैसे ही होम पेज भी है। आप किसी भी कोने के, इंटरनेट के किसी भी कोने के चीज़ को ढूंढते ढूंढते आप अगर फंस जाओ तो आप इसे ढूंढ सकते हैं, और आप एक बटन में इसे क्लिक करें तो ये पेज वापस हाजिर हो जाती है। तो यही है होम पेज का फीचर। आगे हम और इसके पर्सनलाइजेशन के बारे में जानेंगे और इसके और कस्टमाइज़ करने में जानेंगे। उसके पहले हम जानते हैं URL बार। तो यही है URL बार। काफ़ी सारे ब्राउज़र्स में लंबी होती है, काफ़ी में छोटी भी होती है। खैर इंटरनेट एक्सप्लोरर में छोटी है। तो ये यूज़र URL बार में आप क्लिक करें और यहाँ पे आप कोई भी, तो URL बार, उसके पहले हम जानते हैं क्या है। तो ये एक यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है, तो जिसमें आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW यूज़ करके आप अपना वेबसाइट डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम एक आपको वेबसाइट लोड करके देंगे, लेकिन वेबसाइट लोड करने के पहले क्या आपके पास सही में इंटरनेट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप यहीं आप जाइए यहाँ पे टास्क बार में, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस है आप वहाँ जाके चेक कीजिए। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि इंटरनेट एक्सेस आपको दिख रहा है, यहाँ बोल रहे हैं वो इंटरनेट एक्सेस है आपको करके। काफ़ी बार आपको इंटरनेट एक्सेस नहीं रहती है तब आप कोई भी URL एवं कोई भी ब्राउज़र आप चला नहीं सकते। तो ये ध्यान में रखें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन शुरू है, वरना आपका WWW या URL कुछ चलेगा नहीं। तो अब फिर अभी हम चालू करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम स्किल ट्रेन के ही वेबसाइट पे चलते हैं। तो शुरू करते हैं। तो आप टाइप कीजिए www.skilltrain.in। तो आप देख रहे हैं skilltrain.in। तो और आप एंटर दबा दीजिए। तो ये काफ़ी जल्दी लोड कर गया, हैरानी की बात तो नहीं है क्योंकि हम एक बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका लो स्पीड इंटरनेट है तो कोई चिंता नहीं, थोड़ा देर लगेगा सही, लेकिन लोड हो जाएगा। तो यही है हमारा स्किल ट्रेन का वेबसाइट। तो और यही है URL बार, इसके ज़रिए आप कोई भी साइट खोल सकते हैं। और फिलहाल अब और भी चीज़ें जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास एक और, आपको स्किल ट्रेन का भी वेबसाइट चलाना है और आपको नया वेबसाइट भी चलाना है तो आप कैसे चलाओगे? तो आप न्यू टैब करके जो ऑप्शन है, जो टैब ब्राउजिंग ऑप्शंस होते हैं उसको आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ न्यू टैब का जो फीचर है उसे क्लिक करें कुछ इस तरह, या फिर आप Ctrl T दबा के भी जा सकते हैं, तो वो एक शॉर्टकट है। तो यहाँ एक और आपका वही होम पेज यानी टैब खुल चुका है। तो यहाँ पे आप अपना दूसरा कोई डाल दें, एग्जाम्पल के तौर पर हम गूगल दिखाएंगे .com, एंटर। तो ये रहा आपका गूगल। तो ये आपको पूछ रहा है आपको होम पेज बनाना है, फिलहाल तो नहीं बनाना है हमें। तो यही है गूगल, यही है स्किल ट्रेन। तो आपके दो टैब्स में दो अलग अलग ब्राउजर्स खुले हैं, इस चीज़ को आप टैब ब्राउजिंग बोलते हैं। अगर
यहाँ आपने टैब ब्राउजिंग तो सीख ही लिया है, तो अगर आपको अभी अलग अलग विंडो ब्राउजिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे? तो एक कर सकते हो आपकी, आप यहाँ क्लिक करें, इधर आप इसे ड्रैग करें और छोड़ दें तो ये एक नए विंडो में खोल देगा कुछ इस तरह। तो ये एक नया विंडो, ये एक नया विंडो। तो अब यहाँ पे इसको विंडो ब्राउजिंग बोलते हैं। और इसी गूगल को अगर आप वापस टैब ब्राउजिंग में ले आना चाहते हैं, टैब में ही, तो आप इसको बस ड्रैग करें और यहाँ आके छोड़ दें, तो ये अपने आप जाके जुड़ जाएगी इसके साथ। तो यहाँ हमने टैब ब्राउजिंग और विंडो ब्राउजिंग के बारे में भी जान लिया है। अब आगे यहाँ पे कुछ आइकन्स दिख रहे हैं आपको, उसके पहले आपको ये आइकन दिख रही है, ये बड़े वाले जिसमें पीछे का एरो और आगे का एरो डाला हुआ है, तो ये क्या है दरअसल? तो ये दरअसल बैक और फॉरवर्ड है। आप अगर बैक क्लिक करें तो आप फिर से इस पेज पे आ जाएंगे, फॉरवर्ड क्लिक करो तो आप फिर स्किल ट्रेन के पेज पे आ जाओगे। वैसे ही हर यूआरएल में वही है और हर पेज में वही होता है। और यहाँ पे यूआरएल बार में ही आपके पास रिफ़्रेश का ऑप्शन है, या आप F5 दबा के कर सकते हैं। तो आप रिफ़्रेश करोगे तो आपका पेज ठीक से रिफ़्रेश हो जाएगा, और अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो स्टॉप भी कर सकते हैं बीच में लोडिंग में। अक्सर स्टॉप आपको तब करना पड़ता है जब आपका साइट बहुत ही हैवी है और आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है, ध्यान रखें उसमें भी। फिर यहाँ पे अभी हम आते हैं, अगर आपको स्किल ट्रेन का वेबसाइट अगर आपको अच्छा लगा और आप बार बार आना चाहते हैं तो कोई चिंता नहीं है, आप डायरेक्टली एक ही बटन में आप इसे सेव कर लें और आप अगली बार जब भी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे वो आपको अपने आप ही हाजिर कर देगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास एक फेवरेट्स का ऑप्शन है जिसको आप ऑल्ट सी से भी दबा के क्लिक कर सकते हैं। तो आप, हमने फेवरेट्स क्लिक कर दिया तो यहाँ आपको वो पूछेगा ऐड टू फेवरेट्स, डू यू वॉन्ट टू? तो हमने ऐड कर दिया, हमने नाम भी डाल दिया और हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे अभी स्किल ट्रेन का वेबसाइट अभी एक फेवरेट हो चुका है, तो अभी आप स्किल ट्रेन फेवरेट्स को जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर देख रहे हैं कि अभी आपका ये होम स्क्रीन है, आपका ऐसे ही खुलता है, तो आप यहाँ क्लिक करें, फेवरेट्स में जाएं तो आपको यहाँ स्किल ट्रेन दिख जाएगा, आप उसे क्लिक करें तो आपका वेबसाइट अपने आप खुल जाएगा, ना कि आप यूआरएल में जाके आप टाइप करें। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, इसको काफ़ी अलग अलग ब्राउजर्स में बुक मार्किंग भी बोलते हैं, तो इसी को फेवरेट या बुक मार्किंग बोलते हैं। दूसरा, होम यानी घर का जो सिंबल डाला हुआ है तो वो क्या होता है? होम होता है। तो ऑल्ट और होम बटन आप प्रेस करोगे तो आप फिर से न्यू टैब यानी जो हमारा घर है वही, उसी में पहुंच जाओगे आप। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है क्योंकि आप कहीं भी कोने में अटक जाते हो और आपको वापस घर की तलाश होती है तो आप बस इसे क्लिक करें, आप पहुंच जाएंगे। उसके बगल में आपके पास एक गियर का सिंबल है यानी सेटिंग्स वाला, तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स देख सकते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट ऑप्शंस में जाएं तो आप देखें कि एक बहुत ही बड़ा विंडो है जो खुलती है, तो उसमें क्या क्या है? तो उसमें पहला तो है कि आपको होम पेज अगर बदलना है तो आप यहाँ आप यूआरएल टाइप कर सकते हैं और आप होम पेज बदल सकते हैं। अगर आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री आपको डिलीट मानी है तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन है, आपको अलग अलग फीचर्स के साथ डिलीट करेगी और क्लिक करेंगे तो आप डिलीट मार देगी वो, और यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन नोट भी देगी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हैज़ फिनिश डिलीटिंग योर हिस्ट्री, तो ये डिलीट भी कर दिया है। फिर सर्च, तो आप अपना सर्च इंजन आपका डिफ़ॉल्ट बदल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप गूगल लाना चाहते हैं तो आप गूगल ला सकते हैं, और अलग अलग और चीज़ें लाना चाहते हैं तो और भी सर्च इंजन ला सकते हैं। अक्सर गूगल, याहू और बिंग यूज़ होते हैं, तो आप ध्यान रखें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर चेंज हाउ वेब पेजेस आर डिस्प्लेड, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले इसके बदल सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक फीचर है जिसमें आप टैब ब्राउजिंग, जैसे हमने आपको टैब ब्राउजिंग दिखाया, तो उसमें आपको और भी इजी फीचर्स बताएंगे। जैसे कि आप कुछ क्लिक करोगे तो कंट्रोल क्यू डालोगे तो अपने आप एक क्विक क्विक टैब्स बन जाएंगे चार, तो अपने आप उसमें वेबसाइट्स डाल सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। और एवं अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, पॉपअप्स है या ओपन लिंक्स फ्रॉम, अलग अलग है। तो आप अगर कोई लिंक खोलना चाहते हैं तो अपने आप वो एक ही विंडो में खोले या अलग अलग विंडोज़ में खोले, तो ये भी ऑप्शंस आप सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, आप इसको
ध्यान से इसे यूज़ करें, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे फेरबदल कर दिया और आपको अगर कोई गलती भी हो गई तो आप बस रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दें और ओके दबा दें, आपका जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे और भी अपियरेंसेस में है, जैसे कलर्स है, आप बदलना चाहते हैं कलर्स बदल सकते हैं, लैंग्वेजेस यानी भाषाएं आप अगर डालना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, फॉन्ट्स अगर आप बदलना चाहते हो, आपका कोई और सुंदर दिखाना चाहते हो आपके फॉन्ट्स तो आप बदल सकते हो, और भी है। और अगले में सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फीचर्स आप बदल सकते हो। फिर प्राइवेसी फीचर्स, आपका थर्ड पार्टी कुकीज़ या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो है, जो आपका अनसेफ है, उसको आप किस तरह से ब्लॉक कराना चाहते हैं। फिर आपका कंटेंट सर्फिंग, पेरेंटल कंट्रोल्स, वो सब आप देख सकते हैं या सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं उसका, तो किस किस तरह से आपका वेबसाइट्स दिखना चाहिए वो सब आप चेक कर सकते हो या आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। फिर आपके कनेक्शंस जो जो है करंटली, जैसे कि हम अभी तो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड में चला रहे हैं, लेकिन आपके पास अगर डायल अप है तो यहाँ पे आप डायल अप कर डाल सकते हैं, या आपके पास मोबाइल इंटरनेट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। फिर प्रोग्राम्स, तो आप अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर रखना चाहते हैं तो आप क्लिक करें। मैनेज एड ऑन्स कराना चाहते हैं तो एड ऑन्स एक चीज़ होती है, एड ऑन्स बहुत ही बड़ी एक फील्ड है, मतलब कि उसमें आप एक्सटेंशन कोड्स होती है जिससे आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनहांस और खूबसूरत या और बेहतर हो जाती है और फास्ट हो जाती है। फिर HTML एडिटिंग, यानी आपका जो URL है, जो HTML एडिटर बोलते हैं उसे, तो HTML दरअसल URL में ही होती है, तो उसे आप एडिट करके आप अपने साइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। पर उसके पहले ये HTML क्या होता है? तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, तो वो दरअसल एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए या अलग अलग इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए होता है जो वेब पेज पे आप डिस्प्ले कर सकते हो। फिर दूसरा, आप सेट प्रोग्राम कर सकते हो आपके इंटरनेट प्रोग्राम्स अलग अलग, और एडवांस्ड ऑप्शंस और भी है, आपका ग्राफिक्स बढ़ा सकते हो, आप ब्राउजिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, कलर बढ़ा सकते हो, मल्टीमीडिया ऑप्शंस आप सेट कर सकते हो, फ्लैश वगैरह के साथ आप खेल सकते हो, यहाँ और भी चीज़ें हैं बहुत सारे, तो आप इन ऑप्शंस को काफ़ी ध्यान से यूज़ करें, और मेनली जनरल जो है उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बार यही काम आती है। तो यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर आप आपके पैड पे राइट क्लिक दबाएं तो आपको एक और मेनू दिखती है, वहाँ पे आपको मेनू बार दिखती है, तो मेनू आपके दिखते हैं, फेवरेट्स बार यानी आपके फेवरेट्स के बार दिखती है, कमांड बार यानी आपके और अलग अलग कमांड्स जो दे सकते हैं वो है, और स्टेटस बार, स्टेटस बार इस ब्राउज़र में दरअसल दिख तो नहीं रही है लेकिन शायद ब्राउज़र वेब पेज खोलने पे दिख जाए। तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स, हेल्प, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं वो थोड़ा और एलैबोरेट और थोड़ा लंबा तरीके से यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, न्यू सेशन कर सकते हैं, डुप्लीकेट टैब कर सकते हैं। डुप्लीकेट टैब दरअसल क्या है, सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, तो जैसे कि आप देखिए, जैसे कि आपने अगर सूर्यवंशम मूवी देखी है तो उसमें अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट होता है, तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे भी सपोज एक वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ पे हम गूगल लेते हैं, और अगर आप इसे डुप्लीकेट ही कराना चाहते हैं तो आप सीधा जाएं और यहाँ जाके क्लिक करें तो ये अपने आप गूगल खोल देगी, या फिर आप कंट्रोल के भी दबाएं तो ये खोल देती है। तो खैर यहाँ पे तो हमने सिर्फ अमिताभ बच्चन की नाम ले ली है, लेकिन गूगल अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया है इंटरनेट एक्सप्लोरर के ज़रिए, तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है जो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करने को, क्योंकि एक ही ब्राउज़र में आपको दो दो चीज़ें देखने पड़ते हैं, तो आप डायरेक्टली डुप्लीकेट करें और उसमें भी खोलें तो काफ़ी आसान हो जाती है। दूसरी, क्लोज टैब, आप इसी टैब को बंद करना चाहते हैं तो ऐसे ही बंद हो जाएगी, शुरू करना चाहते तो ऐसे। फिर एडिट में आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फिर व्यू में आप अलग अलग टैब्स व्यू कर सकते हैं, और फुल स्क्रीन भी व्यू कर सकते हैं, यानी आपका पूरा स्क्रीन, यहाँ आपका टास्क बार नहीं दिखेगा और ऊपर आपको वो दूसरा वाला
मेनू बार नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे आप स्टार्ट दबाएं तो दिखेगी, लेकिन आप F11 दबाने से भी आपको यूज़ कर सकते हो, या F11 से आप वापस बाहर आ सकते हो, F11 दबाने से आप फिर फुल स्क्रीन में आ सकते हो। फिर आपके पास फेवरेट्स है, तो यहाँ पे फेवरेट्स बार भी है जिसमें स्किल ट्रेन का है, हमने जैसे फेवरेट डाली थी, तो ये सारे फेवरेट बार हैं। और टूल्स, टूल्स तो हमने खैर बहुत अच्छे तरीके से देख ली है यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस वगैरह के साथ भी, और दूसरा यहाँ पे हेल्प और वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे भी आपके पास काफ़ी सारे हैं, जैसे कि होम है, तो होम आप अपना बदल भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, तो यहाँ आपका होम में आ गए हैं। फिर आप प्रिंट करा सकते हो आपका पेज, अगर आपको अच्छा लगा और आपको प्रिंट करना है, तो फिर आपके पास वही सारे कट कॉपी पेस्ट एडिट ऑप्शंस है। फिर सेफ्टी सेफ्टी ऑप्शंस है, और उसके बाद टूल्स है अलग अलग, पॉपअप ब्लॉकर। यहाँ पॉपअप ब्लॉकर क्या होती है, तो पॉपअप ब्लॉकर दरअसल आजकल के सारे सारे वेब ब्राउज़र्स में आती है। दरअसल पॉपअप्स क्या होती है कि आप अभी एग्जांपल के तौर पर हम रेडिफ के साइट पे जाएंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये रेडिफ का साइट खुल गया है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्लॉक्ड पॉपअप। तो पॉपअप क्या होती है, पॉपअप एक ऐसा एक और छोटा सा विंडो यहाँ खुल जाती है जो आपके यूजेज में अड़चन करती है। तो यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं पॉपअप क्या है, तो आप अलाउ वंस कर सकते हैं, तो आपका ये छोटा पॉपअप खुल जाएगी। पर अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो, और अगर तो आप मोर सेटिंग्स में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप अगर हमेशा अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ ऑलवेज अलाउ का भी ऑप्शन है, आप हमेशा पॉपअप देखना चाहते हैं। तो ये हो गया पॉपअप का फंडा। फिर एक्सप्लोरर बार्स है, हमने सारे चीज़ें देखे थे। फिर कंपैटिबिलिटी व्यू है, फिर वन नोट लिंक्ड। अभी वन नोट के बारे में हम आगे जानेंगे कि वन नोट क्या है और उसके लिंक्ड नोट्स क्या होते हैं करके, क्योंकि वो MS ऑफिस के लेसन्स में आते हैं। और अभी तो आखिर में हम आपको दिखाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के फाइनल जो है हेल्प। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास ही अपना खुद का हेल्प पोर्टल है, तो यहाँ पे आप टाइप मार सकते हो कि इंटरनेट, तो यहाँ आपको इंटरनेट और इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में सब कुछ बता सकता है वो चीज़ें। तो यहाँ ऐसा है, और समाप्त करने के पहले हम आपको इस इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन बता देते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो विंडोज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 चला रही है, करंटली मार्केट में विंडोज़ एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 चल रही है, जो सिर्फ विंडोज़ 8 के साथ आती है, और ये एक लेवल नीचे है। तो ये काफ़ी अच्छा वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, और माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ काफ़ी अच्छा वर्जन देता है विंडोज़ एक्सप्लोरर का, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके तरीके आप हम अभी जान चुके हैं। तो अभी हम बंद कर सकते हैं इसे, आप अगर टैब बंद करना चाहते हो तो टैब इस तरह बंद कर सकते हैं, और अगर आप दोनों इस टैब को भी बंद करना चाहते हो तो क्रॉस दबा के बंद कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे कि सीधा अगर आप बंदी कर रहे हो तो, और आपके दो टैब्स खुले हुए हैं, तो आपके क्रॉस करने के बाद आपको ये पूछेगा आपको सही में ये दोनों टैब्स बंद करने हैं या सारे टैब बंद करने हैं, तो आप बोल सकते हो आपको दोनों टैब बंद करने हैं या अभी का टैब। आप हम तो फिलहाल सारे टैब बंद करेंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।